नमस्कार दर्शकों, आचार्य चाणक्य अपनी नीति शास्त्र में पांच चीज़ों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि जिस स्थान पर ये पांच चीज़ें ना हो उस जगह को व्यक्ति द्वारा अपना निवास स्थान नहीं बनाना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन पांच चीज़ों के बारे में। आचार्य चाणक्य अपने नीति शास्त्र में पांच चीज़ों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि जिस स्थान पर ये पांच चीज़ें ना हो उस जगह को व्यक्ति द्वारा अपना निवास स्थान नहीं बनाना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन पांच चीज़ों के बारे में। कहते हैं कि लोक यात्रा भयम लज्जा दक्षिणाएं त्यागशीलता पंच यत्र ना वर्तन्ते ना कुर्यात् तत्र संसिता। चाणक्य की नीति के श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं जहां रोजी रोटी आजीविका या व्यापार का कोई साधन व स्थिति ना हो, जहां लोगों में लोक लाज व किसी प्रकार का भय ना हो, जिस स्थान पर परोपकारी लोग ना हो और जिनमें त्याग की भावना ना पाई जाती हो, वहां लोगों को समाज या कानून का कोई भय ना हो, जहां के लोग दान देना जानते ना हो, ऐसे स्थान पर व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं होता और वहां रहना भी कठिन होता है। इसलिए व्यक्ति को अपने आवास के लिए सर्व प्रकार से साधन उत्पन्न और व्यापारिक स्थान चुनना चाहिए ताकि एक स्वस्थ वातावरण में अपने परिवार के साथ सुरक्षित एवं सुखी रह सके। चाणक्य कहते हैं कि क्योंकि जहाँ के लोगों में ईश्वर लोक व परलोक में आस्था होगी, वही सामाजिक आदर का भाव होगा। अकरणीय कार्य करने में भय संकोच व लज्जा का भाव रहेगा। लोगों में परस्पर त्याग भावना होगी और व्यक्ति स्वार्थ में लीन कानून तोड़ने वाले नहीं होंगे, बल्कि दूसरों का हित चाहने वाले और दान देने वाले होंगे। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि चाणक्य ने ये कहा है कि अगर ऐसी जगह पर इंसान रहता है तो वो अपने जीवन में सुखी रहता है और कभी भी दुखी नहीं रहता। तो चाणक्य ने अपने श्लोक में ये सब बातें बताई। तो दर्शकों, अगर आपको हमारी ये चाणक्य की नीति की बातें पसंद आई हो तो आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। नेक्स्ट 9 स्पीचों से रजत की रिपोर्ट।